असलम गैस, मैं हूँ शाहिद और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाह सर। गैस, आज मैं आपको सिखाऊंगा पिक्स लैब ऐप के अंदर आप मल्टी कलर की पोर्ट्रेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गैस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और आज आप देख रहे होंगे मैं ये वीडियो पोर्ट्रेट मोड में क्रिएट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो हम आगे चल के सीखेंगे वो भी पोर्ट्रेट में वीडियो मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए क्रिएट किया, और पोर्ट्रेट मोड में इसलिए क्रिएट किया ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। गैस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से छोटे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। और गाइस, आ चुका है मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर, देन हम करेंगे पिक्स लैब ऐप को ओपन। अगर आपके पास नहीं तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाके से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, तो अब यहाँ पे हम इसे करते हैं कट, डिलीट कर देते हैं इस टेक्स्ट को। ओके, और यहाँ से हमारे पास है नीचे एक ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास प्लस का बटन है, तो हमें से अब हमारे पास नीचे आप देखेंगे एडिट, जहाँ पेंसिल बनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से अपनी पोएट्री टाइप करेंगे। ये गाइस, तो मैं यहाँ से पोएट्री टाइप करता हूँ। इसके अलावा गाइस, इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे स्ट्रोक वगैरह, कलरिंग, ये मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। ये पहले टाइप कर लें, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ टाइप। अंदर देख कर भी कितने अच्छे, और गाइस, तो मैंने यहाँ से पोएट्री टाइप की और हमारे पास आप ऊपर देखते हैं, देख रहे होंगे ओके का बटन है। ठीक है, तो हम इसे करते हैं प्रेस। जैसे प्रेस करेंगे हमारे पास ऐसा आ जाएगा, तो हम इसे अब पुश करके हम इसे सेंटर में लेंगे। सेंटर में लाने के बाद गाइस, अब हमारा अगला काम क्या है? अगला काम हमारा है अब इसका फॉन्ट का। तो हम पहले इसके फॉन्ट को फॉन्ट चेंज करेंगे, कोई अच्छा सा फॉन्ट लगाते हैं। ये हमारे पास फॉन्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम बहुत सारे उन्होंने अच्छे अच्छे फॉन्ट दिए हुए हैं। आपको जो पसंद हो आप रख लें। मैं सिंपली यहाँ से एक सिंपल सा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे करते हैं थोड़ा सा सेंटर में इसे करते हैं। अब हमारा अगला काम है इसके अंदर कलरिंग का। ठीक है, तो अब आपने वीडियो स्किप नहीं करना, तो हम पहले चलेंगे कलर पर। ये हमारे पास है कलर का ऑप्शन ये साइड पे। ओके, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस, अब हमने जिस जिसको जो कलर देना हो उतना उतना सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ से मैं पहले से रेड कलर देता हूँ। अब जितना किया हुआ है सिलेक्ट, अब उसे थोड़ा आगे, और जो हमने कलर कर लिया चेंज उसे छोड़ देना है ताकि उसका कलर चेंज ना हो। ठीक है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही करना। फिलहाल मेरे ख्याल में यहाँ रेड के आगे ब्लैक कलर ठीक है, तो मैं इसे छोड़ कर थोड़ा सा आगे करता हूँ। आगे करने के बाद अब यहाँ पे भी हम करते हैं, कोई कलर दे देते हैं। आपने कलरिंग कॉम्बिनेशन ज़रूर करनी है गाइस, ये ना कभी वो उठा कर कभी वो जो अच्छा ना लगे, तो आपने इसलिए कलरिंग कॉम्बिनेशन ज़रूर करना है जो अच्छा भी लगे। ठीक है गाइस, तो इसके बाद हमारा लास्ट पे ये रह गया अच्छे लगते हो, तो हम इससे करते हैं कलरिंग। तो मैं इससे भी आई थिंक रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के इसकी लुक है। इसके बाद ओके ओके के बाद हम अगेन टेक्स्ट पर चलेंगे, तो हम करेंगे इसे ऊपर प्लस का बटन है हमारे पास, हम ऐसे भी कर सकते हैं यार सिंपली हम वो टेक्स्ट का बटन है उस पर, अगर हम चाहते हैं नीचे पेंसिल का बटन बना हुआ तो इससे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पेंसिल के बटन से एडिट करता हूँ डायरेक्ट। तब यहाँ पे मैं इसके लिखता हूँ दूसरी लाइन। इसके बाद गाइस, यह लिखने के बाद मैं आपको इसकी भी कलरिंग करके दिखाऊँ। उसके बाद हमें इसे PNG में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी, इसे सेव कैसे करते हैं वो भी, और इसके अलावा हमें इसे स्ट्रोक देंगे वो स्ट्रोक का बैकग्राउंड वो भी मैं आपको आगे चल के अभी बताता हूँ। तो मैं जस्ट जल्दी जल्दी यहाँ से पोएट्री की दूसरी लाइन लिख लेता हूँ। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, और बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और गाइस, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद हम हमारा ये पहले वाला ही तरीका होगा, हम उसे ओके के बटन प्रेस करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे इसे पहले करता हूँ मुकम्मल। तो ये मेरा दूसरी जो पोएट्री की लाइन है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम सिंपली करते हैं इसे ओके, और करने के बाद हम अब इसे इसे नीचे लाते हैं और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ऊपर वाले के बराबर। उससे पहले हम इसके करते हैं फॉन्ट इसका चेंज, तो हम सिंपली फॉन्ट पर जाएंगे और मैं यहाँ से वही वाला फॉन्ट जो मैंने पहले सिंपली चूज़ किया था वही चूज़ करता हूँ, और उसके बाद इसे करते हैं ओके। ओके करने के बाद गाइस, अब हमारा अगला काम क्या है? अब हमारा अगला काम यही है इसका कलरिंग का।
मैं यहाँ से जल्दी जल्दी इसको कलरिंग दे दूँगा, और हमारा तरीका वही होगा, जिस फ़ॉन्ट को हमने जो कलर देना उतना हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसका कलर हम दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपने तमाम को कलर दे दे देना जैसे मैं दे रहा हूँ। तो मैं इसे जल्दी जल्दी कलरिंग कर लेता हूँ। देखा है आपको कुछ इस तरह से नजर आए। इसके बाद हम इसे देंगे स्ट्रोक। तो मैं इसकी कलरिंग मुकम्मल कर लिया है। तो मुकम्मल करने के बाद बस ये लास्ट में दे देते हैं कोई कलर। तो मैं इसे रेड कलर देता हूँ और इसे करते हैं ओके। ओके करने के बाद हमारा गाइस अगला काम है, अगला काम इसे हम करेंगे पहले इसकी सेटिंग, उसके साइज को, ये जो साइड वाला डॉट है इसे हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम सिंपली चलते हैं आगे। ये हमारे पास उन्होंने और भी ऑप्शन दिया है, लेकिन हम पहले इनको डिस्कस करें जो हमें ज़रूरी है। तो हम पहले स्ट्रोक पर चलते हैं और इसे करते हैं ऑन। स्ट्रोक ऑन करने के बाद हम पहले इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। विड्थ को कम करने के बाद मैं यहाँ से एक कलर चूज़ कर लेता हूँ, जो हम आपने जो स्ट्रोक देना है, और गर्ल स्ट्रोक वो देना है जब ऑलरेडी इसके अंदर कलर ना हो। तो आई थिंक यहाँ से हमने येलो कलर नहीं दिया हुआ फॉन्ट के अंदर। तो मैं इसकी सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं 7 पर तकरीबन, ठीक है। इस तरह हम ऊपर वाले को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने वाले से भी इनेबल करेंगे तो नीचे आएंगे तो हम इसे भी येलो कलर दे देंगे, ठीक है गाइस। ये खड़ा येलो मैं इसे ओके करता हूँ। तो करना भाई इसकी जो विड्थ है वो मैं तकरीबन 11 पे रख देता हूँ। इस करते हैं ओके। ओके करने के बाद अब हमारा अगला काम है इसे शेडो देना, ठीक है। इसके पहले सेटिंग करना, सेटिंग करने के बाद हम इसे देते हैं शेडो, इसका इनेबल। तो मैं इसकी जो शेडो आप कलर चेंज कर, लेकिन मैं इसे यहाँ पे ब्लैक ही रखता हूँ। उसे ओके ओके करने के बाद ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, तो इसे भी हम देंगे शेडो, तो इसे इनेबल करेंगे, इसे भी इसका कलर भी ब्लैक रखेंगे, ठीक है। आपको कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। अब देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह। अगर अब हम इसे करना है PNG में कन्वर्ट, तो PNG में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली हमारे पास ये जो नीचे दो शेप्स बनी हम इस पर सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ लिखा हुआ ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर ओके करना, तो ये हमारे पास PNG में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस करते हैं सेव। तो हम इस फाइल पर प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज, मैं यहाँ सेव एज इमेज करता हूँ और यहाँ से सेव टू गैलरी, ठीक है। तो अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ गैलरी के अंदर। आप देख सकते हैं जो हमारा ने ये पोएट्री क्रिएट की, तो उसका जो कलरिंग की, तो उसकी लुक कुछ ऐसे है, आप देख सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे हासिल करेंगे, तो आप उसके लिए सिंपली बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मेरी न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।